हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी अंडा ब्रेड की रेसिपी। एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बेहद पसंद आने वाला है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं और इसी के साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेना है, हरी मिर्च लेनी है। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्च यहाँ 3 या 2 ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी सी यहाँ चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो, साथ में हमने यहाँ पर थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर ऐड किया है और हमने यहाँ पे एक ऐसा पाउडर डाला है जिसमें गरम मसाला और लाल मिर्च साथ में पिसी हुई होती है। नमक मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। गरम मसाला, अगर ये वाला पाउडर आपके पास नहीं है तो आप जो गरम मसाला होता है उसमें से चुटकी थोड़ा सा यानी कि गरम मसाला लीजिए, और लाल मिर्च तो आप डाल चुके हो तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च ऐड कर लीजिएगा और हल्का सा गरम मसाला इसमें ऐड कर दीजिएगा। सबको अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद इस तरह से जैसे कि हम ऑमलेट बनाते हैं वैसे इसको फैला देना है। अब अगर आप ज़्यादा एक बार में नहीं बनाना चाहते हो, जैसे कि एक एक सैंडविच जैसे हम बनाते हैं उस तरह से बनाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा डाल के आप बना सकते हो, आगे हम बताएंगे, या फिर आप ऐसा पूरा फैला दीजिए 2 अंडों का बना के और बस इस तरह से 4 ब्रेड के स्लाइस रख देना है। आप चाहें तो ब्रेड को पहले हल्का सा सेक लीजिए उसके बाद यहाँ पर रखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर हमने इसको बहुत धीमी धीमी आँच में रखा हुआ है, करीब 1.5 मिनट हो गया है और बीच में से यहाँ कट कर लगा देना है ऐसे जैसे कि अभी हम यहाँ दिखा रहे हैं। 1.5 मिनट के बाद इसको हमें पलट देना है, तो इस तरह से बीच में कट लगा दिया। आप इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही पलट के ऐसे फोल्ड कर देना है इसको, यानी कि अंडा जो है वो बीच में रहना चाहिए ऑमलेट। अब ब्रेड को अच्छे से दोनों साइड से हमें सेक लेना है। इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड को फोल्ड कर देंगे और मैं आपसे दोबारा बोल रही हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस करना नहीं भूलना बेल आइकन लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। और आपको अगर हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों में शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये तो भाई हमने बनाकर 2 ब्रेड तैयार हो गए हैं और साथ में जैसे कि मैंने बताया था, आप चाहें तो एक एक ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के भी बना सकते हैं। तो अब हम ये दूसरा तैयार कर रहे हैं, तो इस तरह से बस करना क्या है, हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। उसके बाद ब्रेड को भी एक साइड तवे पर हमें रख देना है, ब्रेड को भी हम दोनों साइड से सेक लेंगे और बाद में ब्रेड के ऊपर ये अंडा रखेंगे और दोनों ब्रेड को अच्छे से सेक कर अंडे के ऊपर से रख देंगे। बस ये बनकर हमारा बहुत ही टेस्टी सा तैयार है। आप अपनी पसंदीदा चटनी के अचार जिससे भी मन चाहे उससे बनाकर खाइए। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।